उत्तर प्रदेश वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्राइम रुकने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ थाना कोतवाली क्षेत्र में ज़मीनी विवाद को लेकर गर्भवती महिला जो कि उसके पेट में 3 माह का बच्चा पल रहा है, ज़मीनी विवाद को लेकर 4-5 लोगों ने माँ और बच्चे को जान से मारने की पूरी कोशिश की, जिसमें महिला ने अपना बचाव करते करते बदन में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से महिला को वाराणसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गर्भवती महिला का नाम खुशबू गुप्ता है। बताया जाता है कि पति के न होने पर यह सब कुछ हुआ। महिला ने बताया कि दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई, अगर तुम पुलिस में कंप्लेंट करोगे तो बच्चे और तुमको दोनों को मार देंगे, जिसमें कोतवाली ने नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाराणसी से जुनैद खान व खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। आपका परिचय नाम बता दीजिए। खुशबू गुप्ता जी कहाँ के निवासी हैं? लौटिया। अच्छा, क्या मामला है? सब मेरे घर में कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, कौन किया? मेरे चाचा लोग। अच्छा, आप इसमें कभी? ससुर लोग। अच्छा, तो क्या मामला क्या है जो आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ा है खुशबू गुप्ता जी? मेरे साथ लोग जबरदस्ती करने की कोशिश की है जी, और हमको खूब मारे हैं। अच्छा, तो क्या मारे भी आपको है? हाँ, मारे, बहुत जगह चोट लगती है। किसी बाहर के लोगों ने मारा की आपके घर के लोग? नहीं, घर ही के लोग मारे हैं, चाचा के। क्या नाम है जो मारे? जो मारे हैं उनका नाम ललन प्रसाद गुप्ता, गोलू गुप्ता। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, अश्वनी गुप्ता, विशाल गुप्ता। अच्छा, तो पुलिस ने क्या, पुलिस क्या कर रही है? अच्छा, जब मारे थे तो क्या आपके हस्बैंड थे वो? नहीं, मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे पेट में चोट आई है, सीने पे चोट आई है, हाथ में दोनों चोट आई है, बाल पे चोट आई है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम बोल नहीं सकते। अच्छा, मेरे पेट में बच्चा भी है। अच्छा, तो प्रशासन से आप क्या चाहती हैं, क्या मदद चाहती हैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरा घर मिलना चाहिए। हम लोग कहाँ रहे, लोग सड़क पे रहे हैं जी। बस हमको मेरा घर मिलना चाहिए, जितना हम लोग के हिस्से में है उतना हमको मिलना चाहिए। किस चीज़ से मारा गया? लोहे का डंडा, वो डंडा था टीने का, उसी से मेरे हाथ पे चोट बहुत लगा, पेट में सिंचा, पर जस्ते भी करने की बहुत कोशिश की। दादी जी, आपका नाम क्या है? बेबी। बेबी, क्या मामला है दादी जी? पूरा मामला भाई उधर हुआ तो पतों को मारा हमने, बहुत दादी पतों को मारा गया है। पतों का नाम क्या है? कुसू। अच्छा, क्यों, किसने मारा है, क्यों मारा है? हमारे देवा रहूँ जी, देवा रहूँ ना, देवा से लौट। किस विवाद को लेके मारा गया? कोई मकान बदे मकान के लिए। हम नहीं थे, मेरा मकान, मेरे चाचा, चाचा के लड़के लोग कब्जा कर रहे हैं। किस क्षेत्र का मामला है? ये थाना कोतवाली मोहल्ला लोहटिया। अभी वर्तमान में आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ ये बताइए। मेरे वाइफ के साथ छिड़कानी, जिसे रेप करने का आरोप, रेप लगा रहे हैं, ब्लाउज फा रहे हैं। अच्छा, और मतलब मारे जगह पे ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई है कि आपकी वाइफ ने आपको बताया? नहीं नहीं, ये सब मेरी वाइफ बताई, हम फिर आए वहाँ हटाया गया। और तो ऐसा चीज आपने मतलब उस समय देखा घटना पर? हम घटना पर जब मार रहे थे तब फिर हम आए। अच्छा, हम हटाए। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस ने क्या मेडिकल वगैरह यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है? पुलिस आई, पुलिस के सामने भी मार रहे थे, पुलिस हटाया अभी। अच्छा, तो किसी के तय लोग के नाम नामजद किया गया है, मुकदमा लिखा है? ललन प्रसाद गुप्ता। हाँ, अपना परिचय बता दें। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, थाना कोतवाली का जो मामला आया है, महिला को काफ़ी चोटें और गंभीर, और यहाँ पे इस समय आपके अस्पताल में एडमिट है, मामला क्या है, पूरा मामला क्या है? मारपीट का मामला। क्या लगता है जो इस समय वर्तमान में जो खुशबू गुप्ता नाम का बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी चोटें आएंगी, तो चोटों के हिसाब से क्या लगता है कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति जैसे कि इनकी तबीयत नहीं, तबीयत तो स्वास्थ्य ठीक है, मगर जिस तरीके से आपको निशान